अभियान चल रहा है। भारत दुनिया के एक बड़े डिफेंस इंपोर्टर की छवि से बाहर निकलकर, वरना हमारी छवि यही है, हम डिफेंस के लिए जो भी चाहिए इंपोर्ट करते, बाहर से मंगवाते रहते। आजादी के 75 साल हो गए, हम मंगवाते रहते हैं। इस छवि से बाहर निकलकर दुनिया के एक अहम डिफेंस एक्सपोर्टर की नई पहचान बनाने के संकल्प के साथ आगे बढ़ रहे हैं। भारत की इस बदलती पहचान का एक बहुत बड़ा केंद्र ये हमारा उत्तर प्रदेश बनने वाला है, और उत्तर प्रदेश के सांसद के नाते मुझे इस बात का विशेष गर्व है। साथियों, थोड़ी देर पहले डिफेंस कॉरिडोर के अलीगढ़ नोड की प्रगति का मैंने अवलोकन किया। अलीगढ़ में ही डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग से जुड़ी 1.5 दर्जन से अधिक कंपनियां सैकड़ों करोड़ रुपए के निवेश से हजारों नए रोजगार यहां बनाने वाली है। अलीगढ़ नोड में छोटे हथियार, आयुध, ड्रोन, एरोस्पेस, मेटल कंपोनेंट्स, एंट्री ड्रोन सिस्टम, डिफेंस पैकेजिंग, ऐसे उत्पाद बन सके इसके लिए नए उद्योग लगाए जा रहे हैं। ये बदलाव अलीगढ़ और आसपास के क्षेत्र को एक नई पहचान देगा। साथियों, अभी तक लोग अपने घर की या अपने दुकान की सुरक्षा के लिए अलीगढ़ के भरोसे रहते थे, पता है ना, क्योंकि अलीगढ़ का ताला अगर लगा होता था तो लोग निश्चिंत हो जाते थे। और मुझे आज बचपन की एक बात करने का मन कर रहा है। करीब 55-60 साल पुरानी बात है, हम बच्चे थे तो अलीगढ़ से ये ताले के जो सेल्समैन होते थे, एक मुस्लिम मेहरबान थे, वो हर 3 महीने हमारे गांव आते थे। अभी भी मुझे याद है वो काली जैकेट पहनते थे और सेल्समैन के नाते दुकानों में अपना ताला रख के जाते थे और 3 महीने के बाद आकर के पैसे ले जाते थे। गांव के अगल बगल के गांवों में भी व्यापारियों के पास जाते थे, उनको भी ताले देते थे। और मेरे पिताजी से उनकी बड़ी अच्छी दोस्ती थी और वो आते थे तो 4-6 दिन हमारे गांव में रुकते थे और दिन भर जो पैसे वो वसूल करके ले आते थे तो मेरे पिताजी के पास छोड़ देते थे और मेरे पिताजी उनके पैसों को संभालते थे। और 4-6 दिन के बाद जब वो मेरा गांव छोड़ करके जाते थे तो मेरे पिताजी से वो सारे पैसे लेकर के फिर वो अपना ट्रेन से निकल जाते थे। और हमने बचपन में 2 शहरों उत्तर प्रदेश के बड़े परिचित रहे, एक सीतापुर और दूसरा अलीगढ़। हमारे गांव में अगर किसी को आंख की बीमारी में ट्रीटमेंट करनी है तो हर कोई कहता था सीतापुर जाओ,
हम ज्यादा समझ